हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस एनालिसिस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पांच ऐसे स्टॉक की जिसको कि कल हम लोग इंट्राडे ट्रेड करने के लिए देखेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ ही साथ आप लोग जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करते चलेगा जिससे कि आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करने में कल बहुत आसानी होगी। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आज का देख लेते हैं। आज आपको टाटा स्टील जो है सबसे अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ पे हम लोगों ने कल ये डिसाइड किया था जो अगर आपको 1190 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। आपको यहाँ पे जो है काफ़ी टाइम तक इसने इस लेवल को डिफेंड किया, लेकिन लास्ट में आपको 2 बजे के बाद यहाँ पे एक ब्रेक डाउन आया और यहाँ पे जो है काफ़ी क्विक मोमेंटम हुआ। ऑलमोस्ट आपको 15 पॉइंट जो है बहुत ही क्विक मोमेंटम में जो है यहाँ पे आपको मिल गया। तो इसी तरह ट्रेड को जो है आपको वेट करके लेवल्स में ही लेना है। अगर लेवल्स नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, आपको ट्रेड को इग्नोर कर देना चाहिए क्योंकि अननेसेसरी का जो है आपको यहाँ पे रिस्क नहीं लेना है। कल भी जो है एक बार फिर से टाटा स्टील को आप लोग जो है यहाँ पे फिर से ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए पहले इसको एक पुल बैक लेने दीजिए। अगर पुल बैक लेने के बाद ये आपको शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी देता है तो इस लेवल पे जो है फिर हम लोग यहाँ पे आपको ट्रेड कर सकते हैं 1190-1180 के लेवल पे, 1190-1187 इन सभी लेवल पे जो है यहाँ पे हम लोग फिर से शॉर्ट करने के लिए देख सकते हैं। तो चलिए आप आज के जो पांच स्टॉक है उसको सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है आपको विप्रो। आईटी सेक्टर में जो है एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग आपको यहां पे दिख रहा है। सारे के सारे आईटी सेक्टर में यहां पे आपको गिरावट देखने को मिल रहा है और विप्रो भी जो है उसमें आपको पार्टिसिपेट करता है। तो विप्रो में भी आज भी आपको एक अच्छा गिरावट हुआ, 2 बजे के बाद यहाँ पे भी जो है आपको एक शार्प फॉल हुआ। तो ये जो लास्ट लेग का फॉल हुआ है यहाँ पे आपको कहीं पे भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखा है। तो कल मॉर्निंग आवर में आपको जो है एक रिट्रेसमेंट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हर जगह एक रिट्रेसमेंट के साथ ही ये स्टॉक जो है आपको फॉल कर रहा है। तो एक रिट्रेसमेंट अगर 640-641 तक यहाँ पे आता है और उसके बाद अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो 2 से 3 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर इमीडिएटली टारगेट देखेंगे तो इमीडिएटली टारगेट जो है आपका ये स्विंग लो है जो कि 626 के लेवल पे, यहाँ तक का टारगेट आपको इजीली मिल सकता है। स्टॉप लॉस ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला है, आपको 3-4 रुपीज का मैक्सिमम आपको 645 के ऊपर का स्टॉप लॉस रखना है, उससे ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखना है। टारगेट आपका 630-625 तक इजीली आपको यहाँ पे इंट्राडे में मिल सकता है। सेकेंड स्टॉक की हम लोग बात करते हैं तो इंडसइंड बैंक है। इंडसइंड बैंक भी आज हम लोगों ने शॉर्ट के लिए रखा था, यहाँ पे भी आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला 1 PM के बाद और उसके बाद जो है इस स्टॉक में एक बहुत ही अच्छा आपको गिरावट आया। कल फिर इस स्टॉक को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले इस स्टॉक में भी एक पुल बैक आने दीजिए। पुल बैक इस स्टॉक में आना चाहिए क्योंकि कभी भी कोई स्टॉक अगर फॉल होता है तो एक रिट्रेसमेंट आता है, फिर से वो जो है फॉल कंटिन्यू करता है। तो सेम उसी तरह यहाँ पे भी आपको आज एक रेंज बना और रेंज ब्रेक होने के बाद जो है यहाँ पे एक अच्छा फॉल आया। तो अब इस लेग का जो है एक बार रिट्रेसमेंट आने दीजिए और रिट्रेसमेंट आने के बाद अगर यहाँ पे आपको 980 के लेवल के आसपास अगर शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पे जो है हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। 7-8 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट जो है आपका 10-12 पॉइंट का इजिली यहाँ पे एक टारगेट मिल सकता है। तो हम लोग जो है सेकेंड स्टॉक इंडसइंड बैंक को भी यहाँ देखने ट्रेड करने के लिए देखेंगे। और सबसे बड़ी बात है आपको 1000 के नीचे ये कंटिन्यू ये स्टॉक आपको ट्रेड कर रहा है और डेली चार्ट में भी एक अच्छा वीकनेस इस स्टॉक में दिख रहा है। तो आपको इस स्टॉक में जो है एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन सकता है। थर्ड एक स्टॉक है आपको इन्फोसिस। इन्फोसिस में लगातार गिरावट आ रहा है, आपको यहाँ पे कुछ न्यूज भी है और इसी वजह से आपको कंटिन्यू यहाँ पे गिरावट भी हो रहा है। तो एक बार फिर से जो है हम लोग इस स्टॉक कल यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम रहेगा, जो यहाँ पे आपको एक पुल बैक जरूर आना चाहिए क्योंकि या तो पुल बैक यहाँ पे आ जाए या फिर एक रेंज जो है आपको प्राइस एक्शन बना के एक रेंज बन जाए और फिर उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। नहीं तो अभी करंट लेवल पे जो है आपको यहाँ पे इमीडिएटली शॉर्ट नहीं करना है। 1710-1705 इन सभी लेवल पे जो है अगर इस लेवल पे आपको पुल बैक लेने के बाद इस लेवल पे अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी मिलता है तो यहाँ पे भी आपको शॉर्ट करना है। मैक्सिमम आपको 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना है, टारगेट आपका 15-20 पॉइंट का यहाँ पे भी होगा। फोर्थ स्टॉक है आपको स्कॉट। स्कॉट में सबसे इंटरेस्टिंग बात है अगर आप इसके डेली चार्ट में देखेंगे तो डेली चार्ट में यहाँ पे आपको एक मूवमेंट हुआ और मूवमेंट के बाद जो है स्टॉक लास्ट के
3 डेज से इनसाइड कैंडल बना रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक रेंज में ये स्टॉक आपको ट्रेड कर रहा है, कंटिन्यूसली हायर लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 1800 लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो अगर ये स्टॉक जो है ऊपर में आपको 1825 के लेवल के ऊपर निकलता है, इस लेवल के ऊपर अगर ये स्टॉक निकलता है तो यहाँ पे आपको एक अच्छा तेजी देखने को मिल सकता है और इंट्राडे में जो है यहाँ पे आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर 1825 के ऊपर निकल के 5 मिनट का कैंडल क्लोज करता है तो 15 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। 20-25 पॉइंट का जो है टारगेट यहाँ पे, 1850 तक का टारगेट आपको यहाँ पे इजीली इंट्राडे में मिल सकता है। और लास्ट स्टॉक है आपको मारुति। मारुति में भी अगर आप डेली चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल का ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे एक फॉल हुआ। फॉल होने के बाद यहाँ पे आपको कल के सेशन में एक इनसाइड कैंडल बना था और उसके बाद जो है आज के सेशन में देखिए मॉर्निंग सेशन से ही यहाँ पे कंटिन्यूअस एक फॉल हुआ। तो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट सपोर्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये आपको 7450 के लेवल के अराउंड है। तो यहाँ तक जो है स्टॉक आपको ट्रैक डाउन हो सकता है, तो यहाँ पे भी जो है एक अच्छा ट्रेड यहाँ पे भी आपको मिलेगा। लेकिन उससे पहले जो है इस स्टॉक में भी थोड़ा सा पुल बैक जरूर आने दीजिए, एक पुल बैक यहाँ पे भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद ही आपको यहाँ पे भी ट्रेड करना चाहिए। या तो यहाँ पे भी पुल बैक आने दीजिए या फिर आपको यहाँ पे एक रेंज अगर बन जाता है 7650-7675 के अराउंड और उसके बाद ये स्टॉक उस रेंज को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पे जो है आपको एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है छोटा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। अभी आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे बहुत बड़ा है, इसलिए जो है अभी करंट लेवल पे यहाँ पे ट्रेड करना आपको सही नहीं रहेगा। या तो यहाँ पे पुल बैक आने दीजिए एक मूविंग एवरेज के लाइन तक, फिर आपको यहाँ पे जो है ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पे जो है रेंज बनने दीजिए, फिर जो है आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। इस लेवल पे जो है रेंज बनने दीजिए और उसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होता है तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट कर दूंगा। तो अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, एनालिसिस अच्छा होगा, आप लोगों ने लेवल्स को भी नोट डाउन कर लिए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।